सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग विद सहर सैयद को और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू कुकिंग विद सहर सैयद। आज हम लाए हैं आपके लिए फ्राई चिकन की रेसिपी। यहाँ मैंने लिया है चिकन और ये ऐसे इसमें मैंने कट लगा लिए हैं। इसमें जो मसाले जाएंगे, रेड चिल्ली पाउडर हाफ टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, थोड़ा सा चाट मसाला है हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, ये भी रेड चिल्ली है कश्मीरी रेड चिल्ली 1 टेबल स्पून, इसमें मिर्चें नहीं होती, नमक हाफ टेबल स्पून। मसाले वगैरह आप लोग अपनी मर्जी से लीजिएगा, स्पाइसी वगैरह। थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे और लेमन जूस 4 से 5 टेबल स्पून। यहाँ हमने लिया है काली मिर्चें, थोड़ी सी मैंने लेके हाफ टेबल स्पून तवे पे भून लिया था। ज़ीरा लिया था हाफ टेबल स्पून, इसे भी मैंने तवे पे भून लिया है। और साबित गरम मसाला हाफ टेबल स्पून, इसे भी मैंने तवे पे भून लिया है। हाफ टी स्पून काली मिर्चें, बाकी हाफ हाफ टेबल स्पून ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ों को मैंने तवे पे भून लिया है। मैं इसे कूट के डालूँगी। यहाँ मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, दही जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून, थोड़ा सा बेसन 3 टेबल स्पून और थोड़ा सा हम इसमें बटर डालेंगे इसमें। हाँ, हम लेंगे लेमन जूस, इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन। ये हमने लेमन जूस ले लिया, इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन। फूड कलर 102 चुटकी और ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे हम। इसे मिक्स कर लेंगे पहले। और अब हम चिकन पे लगा देंगे इसे। चिकन पे लगाएंगे अच्छे से। ये देखिए जी, हमने लगा दिया है। मैं ऐसे छोड़ूंगी 10 से 15 मिनट। ये देखिए जी, इसको हम खोल के देखते हैं। इसे 10 मिनट हो गए रखे हुए। ये देखें, अब मैं इसमें डालूंगी ये सारी चीज़ें। अब हम इसमें डालेंगे बेसन 3 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर, दही, और यहाँ हमने इसको पीस लिया है तो ये हम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे 1 टेबल स्पून। इसमें हम डालेंगे मक्खन 1/2 टेबल स्पून, इसे डाल दिए। अब हम इसे अच्छा सा मिक्स कर देंगे। ये देखिए जी, हमने इसको मसाला लगा दिया है। इसे हम छोड़ेंगे 2 से 3 घंटे। ये देखिए जी, तेल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है। चिकन को हमने मैरिनेट किया था 2 से 3 घंटे, तो अब हम फ्राई कर लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा पीस डाल के देखा है, तेल अच्छा सा गर्म है। अब मैं इसे फ्राई कर लूंगी। हम इसको 2 मिनट फ्राई करेंगे एक साइड से, फिर हम इसे पलट के फिर फ्राई करेंगे 2 मिनट। और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा दोनों साइड पे, तो हम चूल्हे को धीमा करके फिर फ्राई करेंगे ताकि चिकन अंदर से पक जाए। तो अभी हम वेट करते हैं कि ये एक तरफ से अच्छे से पक जाए। ये देखिए 2 मिनट हो गए, अब मैं इसे पलट दूंगी।
और हम इसे भी 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छा सा कलर आ जाए। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इस पर। मैं इसे फ्राई करूँगी 2 मिनट और, फिर यानी आँच करके पका रहे हैं ताकि ये अंदर से भी पक जाए। इसका कलर आ चुका है, अब हम पलट पलट कर इसे दरमियानी आंच पे पकाएंगे। जब गोश्त राम से हट जाएगा तो इसका मतलब है हमारी चिकन रेडी है। ये देखिए हो गई है, मैं इसे निकाल लूंगी। ये देखिए मैं इसी तरह सारी फ्राई कर लूंगी। सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग विद सहर सैयद को और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। ये देखिए जी हमारी चिकन रेडी है और ये अच्छा सा गल गई है। ये देखिए जब रान ऐसे हो जाए, हड्डी छोड़ दे, तो समझिए कि गल गई है। ये देखिए बहुत मज़े की, बहुत अच्छी बनी है। और स्पाइसी वगैरह आप लोग अपनी मर्जी से डालिएगा और इसे इसी स्टाइल में बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और मेरा फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिएगा। कुकिंग विद सहर सैयद, वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखिएगा। और ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।